दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर में देखिए, दिवाली पर बिहार के चार शहरों में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध, बिक्री पर भी लगाई गई रोक। जी हां देखिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में किसी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें कि वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण की मात्रा के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। वही देखिये, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषक अरुण कुमार का कहना है कि पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में प्रदूषण की मात्रा पहले से ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में बोर्ड इन शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में उपचुनाव को लेकर बीजेपी का टिकट फाइनल। मोकामा में आनंद सिंह की बेबी से लड़ेगी ललन सिंह की पत्नी, गोपालगंज में कुसुम देवी। जी हां देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी गोपालगंज सीट से कुसुम देवी और मोकामा सीट से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाएगी। वही देखिए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीटों पर महिलाओं को ही उतारेगी। आपको बता दें कि मोकामा सीट पर महागठबंधन की ओर से बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ सोनम देवी को उतारा गया है। वहीं देखिए, सोनम देवी जदयू छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता नलिनी सिंह रंजन उर्फ ललन सिंह की पत्नी है। वहीं देखिए, शनिवार को ही ललन सिंह जदयू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। ललन सिंह ने कहा था कि आनंद सिंह के बाहुबली का विरोध करने के लिए वे जदयू में शामिल हुए थे, लेकिन जदयू खुद आनंद सिंह की गोद में बैठ गई है, इसी वजह से पार्टी छोड़ना पड़ा। ललन सिंह ने अपने सभी समर्थकों से अपील किया है कि वे जदयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ललन सिंह मोकामा से 3 बार, आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार एलजेपी से और 1 बार पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से मैदान में उतरे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आनंद सिंह ने हरा दिया है। बड़ी खबर में देखिए, लालू के बेटे ने नाराज होकर छोड़े कार्यकारिणी बैठक। तेज प्रताप बोले, राष्ट्रीय महासचिव ने गालियां दी, हंगामे के बाद श्याम रजक बेहोश। जी हां देखिए, बड़ी खबर है, दिल्ली में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बवाल हो गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया और बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं देखिए, इस बवाल के बाद श्याम रजक की तबीयत अचानक खराब हो गई, वे बेहोश हो गए, उन्हें बिहार निवास से हॉस्पिटल ले जाया गया। देखिए, तेज प्रताप ने कहा कि श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी है, हमने जब कल का और टाइमिंग के बारे में पूछा तो हमारे पीए और हमारी बहन को गाली दी। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनके पास श्याम रजक से बातचीत का ऑडियो भी है। वहीं देखिए, तेज प्रताप ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे बिहार की जनता को सुनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे भाजपा और आरएसएस वाले लोगों को संगठन से बाहर किया जाए, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या। भाई देखिए, तेज प्रताप श्याम रजक प्रकरण पर बोले तेजस्वी, कहा एजेंडा मत बदलिए, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल आरजेडी के अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुले मंच से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गंभीर आरोप लगाए। तो भाई देखिए, इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं को मंच से संदेश दिया कि पार्टी अपने पूर्व निर्धारित एजेंडे पर ही काम करेगी, पार्टी के लोग उसे चेंज करने की कोशिश न करें। तेजस्वी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वे किसी को खुश नहीं रख सकते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, या भी हो सकता है कि हम भी सभी से खुश नहीं हो, लेकिन हमारे सामने जो बड़ी चुनौती है उसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता एक टीम मेंबर है। यह मायने नहीं रखता कि किसी कौन पसंद है और कौन पसंद नहीं है, सभी को एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता है, यह इंसान का नेचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बड़ी खबर में देखिए, लालू ने तेजस्वी को दिया पावर, कहा बड़े मामलों पर अब सिर्फ तेजस्वी ही बोलेंगे। जी हां देखिए, दिल्ली में कल से शुरू हुई आरजेडी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेज प्रताप और श्याम रजक प्रकरण के बाद गहमागहमी बनी रही। वहीं देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाले पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। मंच से बड़ा ऐलान करते हुए लालू ने साफ कर दिया कि आप पार्टी में आरजेडी में नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ
तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, दूसरे नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं देखिए लालू प्रसाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी की एकता बढ़ी रही है और एकता में ही ताकत होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने के पहले सभी को संभल कर बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि जो भी नीतिगत मामले हैं या जो भी समस्या है उस पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। बड़ी खबर में देखे लालू प्रसाद यादव फिर बने आरजेडी के अध्यक्ष, लगातार 12वीं बार मिली पार्टी की कमान। जी हां, देखिए बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से आरजेडी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के तौर पर लगातार 12वीं आरजेडी की कमान मिली है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जिसमें बिहार के जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी शामिल है। बढ़कर में देखिए बिहार में स्टीमर की चपेट में आने से हुआ बड़ा हादसा, 50 मवेशियों के साथ गंगा मीडू में दो लोग तैरकर बाहर निकले, 6 हुआ। यह बड़ी खबर है। भागलपुर जिले के बरारे स्थित विसर्जन घाट पर उस वक्त आफरा तफरी मच गई जब स्टीमर की चपेट में आने से करीब 50 मवेशी यानी कि भैंस गंगा में समा गए। वही 8 युवक में से 6 युवक ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। अभी तक 2 युवक लापता है, जिसकी खोजबीन जारी है। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मुसहरी घाट से रोजाना भैंस चराने के लिए चरवाहा दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर गंगा नदी पार कर जाया करते हैं। इसी दौरान स्टीमर की पंखी के चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 45 से 50 भैंस डूब गए हैं और 2 व्यक्ति अभी भी गायब है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 15 तक भरे परीक्षा फॉर्म, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बढ़ाई तिथि। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट 15 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने दूसरी बार यह तिथि बढ़ाई है। इससे पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया था। अब स्टूडेंट अपने स्कूल व कॉलेज जाकर ऑनलाइन फॉर्म 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी, वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। जी हां, देखिए बिहार में मानसून भले ही अपने वापसी की राह पर है, लेकिन बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश से लोगों को राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वहीं देखिए पिछले कुछ दिनों से नेपाल के तराई वाले इलाकों में हुई बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर बराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद देखिए गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में इस बार दीपावली और छठ के दौरान ठंड रहने की संभावना है। वहीं देखिए दूसरी तरफ मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पोस्ट मानसून का असर भी अभी पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। राज्य में फिलहाल पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही है, जिसके चलते राज्य में बारिश लगातार जारी है। देखिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर जंक्शन बनेगा स्मार्ट स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी मिलेगी सुविधा। जी हां, देखिए बिहार में स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर को स्मार्ट स्टेशन का भी तोहफा मिला है। गति शक्ति योजना के तहत स्मार्ट स्टेशन बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं विकसित की जाएगी और उसी अनुरूप स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रोजेक्ट तौर पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के तहत भागलपुर के अलावा सुल्तानगंज स्टेशन का भी चयन हुआ है। इसके पहले चरण में भागलपुर स्टेशन को विकसित किया जाएगा, इसके बाद सुल्तानगंज स्टेशन को। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में अगले 4 साल में यह योजना पूरी हो जाएगी। यह जानकारी मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने शनिवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में देश के 70 स्टेशनों का ही चयन किया गया है। देखिए बिहार में 20 लाख नौकरी देने के बयान पर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 लाख नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है, मौजूदा अर्थव्यवस्था की चुनौती को स्वीकार करते हुए भी हम लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं देखिए आगे उन्होंने कहा कि इस मौजूदा दौर में नौकरी देना चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन हम अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर हम लाखों में नौकरियां देने में सफल रहे तो हम रोजगार देने वाला एक नया बिहार मॉडल बना सकेंगे, जिसे एक दिन पूरा देश फॉलो करेगा।
बड़ी खबर में देखिए बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जा रही है छात्रवृत्ति, जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। जी हां, देखिए बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता व स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वो छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करीब 200 से अधिक कॉलेज और 80 से अधिक कोर्स उपलब्ध है, जिसमें विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार एडमिशन लेकर कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के स्थायी निवासी ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं पास छात्र योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं 12वीं कक्षा के छात्र भी इस योजना के आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके आवेदन करने के लिए आप www.ccbnic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खबर में देखिए बिहार में शराबियों ने 6 महीने में भरा 17 करोड़ जुर्माना, 72,000 से अधिक लोग पकड़े गए। जी हां, देखिए बिहार में इस साल अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से 6 माह में 72,000 से अधिक अभियुक्त पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए। इसमें पुलिस ने 38,000 से अधिक के, जबकि मद निषेध विभाग ने 30,000 से अधिक शराबियों को पकड़ा है। इन शराबियों को नियम अनुसार 2 से 5,000 रुपए जुर्माना लेकर छोड़ा गया, जिससे सरकार को 17.53 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वह देखिए पहली बार शराब पीने के जुर्म में जुर्माना भर कर छूटने वाले लोगों के घर चेतावनी पोस्टर चिपकाए जाने के निर्देश भी दिया गया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार हर माह शराबियों को पकड़े जाने व उनसे जुर्माना राशि की प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बता दें कि अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3,075 अभियुक्त को पकड़ा गया था, जिनसे करीब 52,26,000 रुपए जुर्माना वसूला गया था। वहीं सबसे ज्यादा सितंबर महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए वसूला गया है। बड़ी खबर में देखिए वंदे भारत पर प्रशांत किशोर का तंज, 26 एमपी वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन, 40 सांसद वाले बिहार को पैसेंजर गाड़ी। जी हां, देखिए चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को केंद्र सरकार पर बड़ा तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार का झुकाव बिहार की ओर नहीं बल्कि गुजरात की ओर है, यही वजह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात से चलाई गई न कि बिहार से। आपको बता दें कि पद यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि बिहार से लोगों ने मोदी सरकार को 39 सांसद चुन के दिए हैं, जबकि गुजरात से मात्र 26 सांसद हैं। लेकिन सुखद और सुरक्षित यात्रा कराने वाले अत्याधुनिक ट्रेन गुजरात को दिया गया और बिहार को पैसेंजर ट्रेन दिया गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात की आबादी 6 करोड़ है, जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। बावजूद इसके बिहार को एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सुविधा और से लेस देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन गुजरात के राजधानी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के अब तक चलती है। इस गाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।